हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आपके लिए फिजिक्स हम लगातार लेके आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सर जी हो नहीं पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा मेरे भाई, हम आपके साथ में है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको ऐसे पांच टॉपिक बताने वाले हैं जिन्हें पढ़कर आप पेपर के अंदर 25 से 30 नंबर बहुत आराम से ला सकते हो। पेपर आपका कितने नंबर का है भाई? 75 नंबर का पेपर होता है। 75 में से सिर्फ 25 वाला पास होता है, और कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। अगर आप ये सिर्फ पांच टॉपिक भी पढ़ लेते हो, तब भी पांच हटाओ तीन टॉपिक पढ़ लेते हो। ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा, सारे टॉपिक हमने पढ़ा रखे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आराम से देख डालो वीडियोस को। लेकिन उससे पहले समझ लो इस पूरी वीडियो को हम आपको क्या बताने वाले। देखो, जो लोग पहली बार बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आए, हमने आपको फिजिक्स की पूरी एक यूनिट करा दी। ठीक, कुछ लोग कह रहे थे सर बहुत लेट कोर्स चला। लेट कुछ नहीं चल रहा, कॉन्टेंट अपने पास रेडी है, आप तक पहुंचाना है सही तरीके से। देखो, सबसे पहले जो अपनी यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर फोर्थ है, यानी स्टार्टिंग की चार यूनिटें मैथमेटिकल फिजिक्स है। लेकिन वो चार यूनिट्स आपको डराने के लिए, क्योंकि देखो यहीं पे मॉडल पेपर पड़ा हुआ, ये देखिए मॉडल पेपर है, यहीं पे मेरे भाई देखिए सिलेबस रखा हुआ, ये देखिए सिलेबस है, तो सारी चीजें हम एनालिसिस करते रहते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पेपर आपके जरूर है, जिम्मेदारी हमारी है पहली बार। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पहला है गॉस डायवर्जेंस थ्योरम। मेरे भाई गॉस डायवर्जेंस थ्योरम हर बार पेपर में 15 नंबर में आती है। जो लोग इधर MJPRU साइड में या फिर जिनका पैटर्न मिलता जुलता है, मेरे भाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पिछले बार यहाँ अभी तीन पेपर हुए हैं जब से सेमेस्टर चेंज हुआ है। पहले यहाँ पे ईयर वाइज हुआ करता था, तब से तीनों बार गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आई है 15 नंबर में। तो इस बात की गारंटी तो नहीं मेरे भाई, लेकिन 99.9% गारंटी है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दोबारा से पेपर में आ जाएगी। अगर ये आ गई तो मेरे भाई 15 नंबर पक्के करा के जाएगी सर। ठीक है, लेकिन ये नहीं आई सर जी तो भैया स्टोक्स थ्योरम आएगी, और स्टोक्स थ्योरम नहीं आई तो ग्रीन्स थ्योरम आएगी। लेकिन प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अगर आप बौरे टाइप के व्यक्ति हैं, कम पढ़ते लिखते हैं, एंड टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सिर्फ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे आपको फोकस करना है। और थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास है तो गॉस डाइवर्जेंस के साथ में स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम भी आपको पढ़ लेना है मेरे भाई। अगर आप ऐसा करते हो तो आप 15 नंबर अपने पक्के करा लोगे मेरे भाई, पहली बात। दूसरी बात सुनो, टेंसर। मेरे भाई ये जो टेंसर टॉपिक है, इसमें देखो सिमेट्रिक टेंसर, नॉन सिमेट्रिक टेंसर, पूरा डिटेल में हमने टेंसर को पढ़ाया हुआ, और टेंसर पेपर में बनता है 7.5 नंबर का। तो 7.5 नंबर ये होगा, और डायराक डेल्टा फंक्शन पेपर में आ जाता है मेरे भाई 3 नंबर का। ठीक है, यानी ओवरऑल अगर हम आपसे बात करें तो 15 और 3 18 18 और 7 22 22.5, यानी ओवरऑल अगर हम आपसे बात करें, इससे रिलेटेड अगर एक दो क्वेश्चन आते हैं जो पीछे हमने करा रखे हैं, तो आप आराम से 22 से 25 के करीब 75 में 25 नंबर का पेपर कर लोगे। अगर सिर्फ क्योंकि टेंसर से मेरे भाई 7.5 नंबर का खाली एक क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभी 3 नंबर में अलग से दिया, स्क्यू टेंसर क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा जो है डिटेल में पूछ लिया 7.5 नंबर में, तो ये लगभग 25 नंबर के सिर्फ पांच भी नहीं है, 1 2 3 पहले तैयार करो। जब गॉस डाइवर्जेंस हमने पढ़ाई हुई है, 1.5 2 2 लाख लोगों ने देखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट पिन कर देंगे प्लेलिस्ट को मेरे भाई, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम 1.5 लाख लोगों ने देखी, जब इसे देख लोगे ये अपने आप आ जाएगी, इसे देख लोगे ये अपने आप आ जाएगी, यानी बहुत ही आसान है। इन्हें आप पढ़िए सर, ठीक है, आने वाले 3 4 5 दिन बाद हम आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको कुछ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और इसकी पेपर एनालिसिस लेके आएंगे हम फिजिक्स की। जब फिजिक्स की पेपर एनालिसिस लेके आएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना आसान है मेरे भाई, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो कोई भी सब्जेक्ट हो, जिसमें पास होना मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो आप मजा लीजिए प्लेलिस्ट का, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे, कमेंट भी पिन कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।